अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज फिर आप लोगों के लिए एक रमज़ान रेसिपी लेकर आई हूँ, काले चना चाट की रेसिपी। ये स्ट्रीट चाट है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूँ। ये देखने में जितने मज़े की लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी, तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाने चलते हैं। यहाँ मैंने पैन ले लिया जिसे मैंने लो फ्लेम पर रख दी है, और इसमें आप ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है इसे भी ऐड कर देंगे, और इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1 चुटकी अजवाइन और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। अभी हमने इसे मीडियम नहीं करना, लो ही रखना है फ्लेम को। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप चने, यहाँ मैंने काले चने लिए हैं जिसे नमक डाल के बॉयल कर लिया था, इसे ऐड कर देंगे। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर लिया है चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। आमचूर पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट में, तो आप लोग जब चाट को फ्राई किया करें तो लाजमी इसमें ऐड किया करें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे 2 मीडियम आलू जिसे मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम कर देना है इस वक्त। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजेस, तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल में लिए है 1 मीडियम प्याज और 1 मीडियम टमाटर जिसे रफली चॉप कर लिया है, और 3 हरी मिर्चें हैं इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, तो इसे ऐड कर देंगे हम। 1/2 लेमन लिया है इसे भी ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, अगर इमली का पल्प आप ऐड करें तो 2 टेबल स्पून ऐड करिएगा, लेमन हो या फिर इमली का पल्प, इन दोनों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे इसे, बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है। तो ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, और इफ्तारी में तो ये बहुत काम आने वाली रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे बनकर तैयार हुई है ये चाट। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कटा हुआ बारीक हरा धनिया। फाइनली स्ट्रीट चना चाट बनकर तैयार हो गई है, तो मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है चाट, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इफ्तारी में तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये इफ्तारी रेसिपी है तो इफ्तारी में बनाना तो बनता है। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे फिर बताएं कि कैसी बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अब मुझे आप इजाज़त दें, मैं मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।